बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स, क्या चल रहा है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आज हम एक बहुत ही अच्छे इंसान और यूट्यूबर भी हैं वो, और बड़े जॉली इंसान हैं जिनसे हम मिलने जा रहे हैं। वो कोई और नहीं है, ये हमारे अहमद भाई बैठे हैं, उनके पापा हैं, इनके पापा से हम मिलने जा रहे हैं। जी आप अपने चैनल का बताएंगे जरा, आपके चैनल का क्या नाम है? जी मेरा चैनल ही है, अब्बू का चैनल है कोकटेल इन्फो टीवी। और वो मलिक साहब की तरह वो भी बहुत जॉली बंदे हैं और फिरने और खाने के शौकीन हैं, और इसी तरह वो ब्लॉग्स वगैरह बनाते हैं। और मलिक साहब चलें जी देखते हैं, फिरने और खाने के शौकीन उन्होंने बताया है, देखते हैं हमें क्या खिलाते हैं आज। हम भी जा रहे हैं इनकी तरफ ही। तो ये घर है अहमद भाई जी, अभी घर पे आ गए हैं। अभी ये गाड़ी भी खड़ी है उनकी, तो अभी चलते हैं। कोकटेल इन्फो के नाम से इनका चैनल है, तो प्लीज़ तमाम दोस्तों से मेरी दरख्वास्त है कि इस चैनल को मैं लिंक में दे दूंगा, तो इनको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, और बताएं जाके हम वारिस भाई के चैनल से जो है ना वो आए हैं, तो ये लाजमी बताइएगा। चलो चलते हैं उनके घर। ये जी घर है उनका, ये अहमद भाई अब दरवाज़ा नॉक कर रहे हैं। ये अहमद भाई बोतल ले हैं, मगर बोतल तो हमने पीनी नहीं है क्योंकि मिंट मार्गरेटा। वाह जी वाह, ये जी अब हमारे लिए मिंट मार्गरेटा बनाएंगे, तो अभी देखते हैं कैसा ये बनाते हैं। ये अहमद भाई खुद बनाएंगे आप? नहीं, ये भी अबू का ही काम है। अबू बनाएंगे? माशाल्लाह माशाल्लाह जी, अबू इनकी बहुत चीज़ें बनाते हैं खाने की लगता है मुझे। और अभी वो आ रहे हैं नीचे, दरवाज़ा नॉक कर दिया अहमद भाई ने। ये जी अब हम अहमद भाई के घर आ गए जी, उनके पापा हैं। ये देखें उन्होंने तमाम एक्सेसरीज रखी हुई हैं अपने पास। ये देखें ज़रा, ये देखें जी, ये गिम्बल है और वो आप देख रहे हैं सेल्फी लाइट इसको कहते हैं, या रिंग लाइट भी आप कह लें। जी अभी जो है ना, मैं साजद कंबो साहब, कंबो है ना बताया आपने, साजद हमीद कंबो साहब के घर आ गया हूँ। अहमद भाई भी साथ हैं और ये आप देख सकते हैं कैसर भाई भी साथ हैं। अभी इनसे कुछ दिलचस्प सी बातें करते हैं, और अहमद भाई को मैं अपना कैमरा वगैरह देता हूँ। मैं कहता हूँ अहमद भाई आप वीडियो बनाएं, मैं आपके पापा से कुछ सवाल पूछता हूँ, तो उसके बाद फिर हम आगे जो है ना वो चलेंगे। क्योंकि जो भी बात है वो अगर वीडियो में आ जाती है या कैप्चर हो जाती है तो वो एक आपकी यादगिरी रहती है, और वो हमें देखने में भी मज़ा आएगा, और आप भी देखेंगे वीडियो और आप भी कुछ सीखेंगे। क्योंकि आज मैं उनसे वो सवाल करूँगा जो मेरा ख्याल है कि लाइफ में उनसे किसी ने नहीं किए होंगे, तो एक अच्छी एक वीडियो बन जाएगी। तो अभी चलते हैं हम अहमद भाई के पापा की तरफ। लो जी मिंट मार्गरेटा तो मंगवा लिया है भाईजान ने, अब कैसर भाई पी रहे हैं। और ये भाई का भी चैनल है जी, मी एंड माय वाइफ, ये भी आप देखिएगा, इनका भी चैनल है। मैं भी आज खुद देखूंगा, विजिट करूंगा, उस पर सब्सक्राइब भी करूंगा, और आप भी कीजिएगा। अहमद भाई क्या ये बना के लेके आए हैं आप? मिंट मार्गरेटा लग रहा है मुझे, सही ज़बरदस्त हो गया। थोड़ा सा ज़िंदगी के बारे में बताएं, कुछ बताएंगे हमें कि आपकी जो ज़िंदगी में कोई उतार चढ़ाव हुए हैं या उसका को रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ आप बताएं जो कि हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो दोस्त देख रहे हैं हमें, तो उनको सबक हासिल हो और वो काम ना करें जो कि आप समझते हैं कि ये मेरे से गलत हुआ है। देखें अपना ना, गलतियाँ तो सारी ज़िंदगी इंसान करता है और करता ही रहेगा। आदम को देखें, हज़रत आदम ने थोड़ी सी हिम्मत की, जब इतने बड़े पैगंबर कर सकते हैं तो फिर हम क्या, हमारी क्या औकात और हैसियत है। बात यह है कि मैंने जो ज़िंदगी में तजर्बा हासिल किया है वो सिर्फ एक ही है, और वो ये है कि आप मनफी सोचना, मनफी काम करना अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। गुस्सा, हसद, झूठ, कीना, इसको निकालें, आपकी ज़िंदगी इतनी मज़े की हो जाएगी कि शायद हर गलत काम में से भी पॉजिटिव निकाल लिया करें। और बस ये मेरी तो ज़िंदगी जो है ना ऐसे में गुजारने की कोशिश करता हूँ, आगे अल्लाह ताला को पता है मैं कितना। अच्छा आपने क्वालिफिकेशन कहाँ से हासिल की है? मैं इंटर तक क्वालिफिकेशन है मेरी सिर्फ, और वो मैंने इंटर एफसी कॉलेज से किया था, और जो मैट्रिक है वो मैंने इस्लामिया हाई स्कूल मिसरी शाह से किया था। अच्छा, और ये जो चैनल बनाने का जो ख्याल है आपका, ये कोकटेल इन्फो टीवी के नाम से आपका चैनल है, ये चैनल के लिए क्या आपने सोचा, क्या देख के आपने बताया बनाया है चैनल के? अच्छा ये सवाल तो आपका बड़ा दिलचस्प है, हंसी इसलिए निकल गई कि मैं सबको कहता होता था आप पागल हो यार, किधर लगे रहते हो बेवकूफ, कोई उधर लगा रहता है। और ये हमारे जो है ना जी मी एंड माई वाइफ वाले, इनको खास तौर पे कहता था,
तो ये कहते होते थे, हंसते होते थे, आपको क्या पता ऐसे ये है वो है। तो एक दिन बस इसी तरह इन्होंने इनको ही देख के, तो इनकी बात भी अमल करते हुए जो मी एंड माई वाइफ वाले हैं, मैंने भी चैनल बना लिया। वहाँ पे आया तो बेशुमार ऐसे ज़बरदस्त लोग मिले, तो मैंने कहा यार ज़िंदगी वाकई बड़ी खूबसूरत है इस वाईटी पे। अगर आप वहाँ पे ऐसी ऐसी मेरी बहनें भाई मिल गए जनाब, वो मैं अब मुझे बहुत मज़ा आता है उनसे मिलके। अब जनाब मैं दिन के आप देखें कि 24 घंटों में बस 8 घंटे बड़ा मुश्किल से होता हूँ। रात को एलवी बंद होती है अपना, तकरीबन 2 बज जाते हैं, और फिर फजर के टाइम उठना पड़ता है 5:30 बजे, फिर सोता हूँ 7 बजे, फिर उठ के तो मैं अपनी एलवी कर लेता हूँ, और फिर बस इसी तरह 24 घंटे मुसलसल चलता रहता। अच्छा, आपके बच्चे कितने हैं, और जो है ना आपकी जो अज़्वाजी ज़िंदगी है उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? अज़्वाजी ज़िंदगी बहुत अच्छी है मेरी, मेरी अहलिया बहुत अच्छी हैं, बहुत शानदार हैं। मैं जो गलत मलत भी करता हूँ वो भी बर्दाश्त कर देती हैं, तो ये उसका शुक्रिया, बहुत अच्छी हैं वो। बच्चे जो हैं मेरे 5 बच्चे मेरे अपने, और एक बच्चा मैंने अपनी बहन का लेके पाला था, जिनमें से 2 बच्चे जो बहन का लेके पाला था वो भी CSS ऑफिसर करके, तो असिस्टेंट कमिश्नर है इस वक्त हैदराबाद। इसी तरह जो मेरा बेटा अपना बड़ा है जो ज़रियाब साजिद कम्बो, वो असिस्टेंट कमिश्नर अब इस्लामाबाद है, पिंडी है कैंट। उसके बाद एक छोटी बेटी है मलाइका साजिद, वो भी CSS की तैयारी कर रही है। बस अहमद जो है ये ज़रा शरारती है, ये कारोबार का इसको ज़्यादा शौक है, ये पढ़ाई इसने अपना ना BA में छोड़ के अभी रुका हुआ है, छोड़ी क्या ये कोरोना ने बिल्कुल छुड़ा दी, तो ये इसका ध्यान बिजनेस की तरफ है, बस इसकी तैयारी बिजनेस की हो रही है, कोई अल्लाह ताला असबाब पैदा कर दे तो छोटा सा काम शुरू कर दे। एक छोटी बच्ची है वो लाहौर ग्रामर में पढ़ती, बस यही मेरे 5। अच्छा अच्छा जी, माशाल्लाह जी, आपने भाईजान की बातें तो सुनी है, दिलचस्प बातें सुनी है। अगर मजीद इनकी बातें सुनना चाहते हैं तो इनके चैनल का नाम है कॉकटेल इन्फो TV, मैं जो लिंक है इनका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इनके चैनल पे विजिट करें, देखें ज़्यादा से ज़्यादा जाके। और आपको भी यही मैं करूँगा कि आप भी दोस्त, जो भी दोस्त जो फ्री बैठे हुए हैं वो भी अपना चैनल क्रिएट करें और अपने जो है ना लाइफ को जॉली बनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़। अभी जी मैं फ्री हो गया हूँ उधर से, तो अभी मैं जा रहा हूँ वापस, ये गाड़ी में बैक कर रहा हूँ। तो बड़ी अच्छी साजिद हमीद साहब से गुफ्तगू रही मेरी, साजिद हमीद कम्बोज साहब से बहुत अच्छी